ऑप्शन भारत, मैं ओपी सिंह फाउंडर ऑप्शन भारत के बैनर्स पे। मित्रों, आज जैसे कि मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही हैरत अंगेज विषय के ऊपर चर्चा का विषय रखना चाहूँगा। आज मेरे चर्चा का विषय है मित्रों, ये है आम की गुठली, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली मैंगो सीड्स के नाम से जाना जाता है। ये आम की गुठलियाँ हैं और आम की गुठलियों के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँ कि आम का गुठलियों के अंदर एक इस तरीके की एक एक गिरी निकलती है इसमें से। ये आम की एक गिरी है, बेसिकली हम इसको सुखा कर इसका एक पाउडर बनाते हैं और इसी के ऊपर आज मेरा विशेष जो मेरा आज का चर्चा का विषय है वो आम की गुठलियों के ऊपर ही। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आम की जो गुठलियां हैं उनके जो पाउडर्स हैं उनके दो सेगमेंट पे आज की वीडियो है। पहला सेगमेंट है स्त्री रोग, तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों के विषय के ऊपर चर्चा रखना चाहूँगा स्त्री रोग के ऊपर। एक आम तरीके से जो बीमारियाँ आज के डेट में बहुत ज़्यादा औरतों में पाई जाती हैं जिसे हम लिकोरिया के नाम से जानते हैं। लिकोरिया सफ़ेद पानी का एक वो डिजीज़ है जो टाइम टू टाइम औरतों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता रहता है। लिकोरिया की जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको अगर एक रामबाण आज के डेट में हम कहें तो ये इसके पाउडर, अगर आप इसके पाउडर को अगर आप प्रयोग में लेते हैं, ये गुठली को, आम की गुठली को अगर आप पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो इसके पाउडर को पहले इसको आप सुखा लें, छाए में सुखा के इसको कूट के एक इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम गुनगुने हल्के पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो लिकोरिया नाम की जो बीमारी होती है उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध है। दूसरी है कि कईयों को ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में काफ़ी अधिक ब्लीडिंग होती है, तो उस हालत में भी आप इसको प्रयोग में ले सकती हैं। कई औरतों को यूरिन ब्लैडर्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक चम्मच आम के गुठली का पाउडर पानी में उबाल कर ठंडा कर और उसके अंदर 6 चम्मच एलोवेरा डालकर आप उसको कॉटन से इन्फेक्टेड एरिया को, जहाँ पे ये यूरिनरी फंक्शंस जहाँ पे हैं, जहाँ पे हम पेशाब मार्ग को अगर हम साफ तरीके से धोते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस में भी आप इसकी बेनिफिट ले सकेंगे। तो स्त्री रोगों में आप विशेष तरीके से इसको प्रयोग में लें। मैं तो कहूँगा कि जो माता बहनों को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनको अभी मौसम आम का है और आपने कहावत भी सुनी होगी कि आमों के आम और गुठली के दाम, तो गुठलियों के दाम इसलिए लगाए जाते थे कि आमों से ज़्यादा इसका बेनिफिट हमें मिलता है। मित्रों, अब मैं आ रहा हूँ इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स में। आम के जो पाउडर्स हैं उनका जो गुठली के जो पाउडर हैं जिनका विशेष उपयोग है वो है खूनी बवासीर में। अगर किसी को खूनी बवासीर है और वो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा मौसम है। आप इस मौसम में आम के गुठलियों को इकट्ठा कर लें, उनके छिलके, वैसे तो छिलके के बारे में मैं अलग वीडियो करूंगा पब्लिश, लेकिन आम के गुठली को आप पाउडर बना लें और इसको आप एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ अगर इसको लेते हैं तो ये हार्मोन डिसऑर्डर्स में भी काम आता है और खूनी बवासीर में भी काम आएगा। और अब मैं एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं मेरे फॉलोअर्स से, मेरे कॉलीग से, मेरे इर्द गिर्द के लोगों से, बाल झड़ने का। लोग कहते हैं कि जी मैं गंजापन में आ रहा हूँ, जी मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो मित्रों, आपने बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी मेडिसिन को एक्टिविटी में ली होंगी, लेकिन मैं आपको राय देना चाहूँगा कि जिन लोगों के बाल अक्सर झड़ रहे हैं वो आम के गुठली के पाउडर को, आम के गुठली के पाउडर को पेस्ट बना लें। आपने देखा होगा यूनानी पद्धति में बहुत पहले लोग हिजाब लगाते थे, बालों को काला करने के लिए लगाते थे, तो ये हिजाब इसी से बनाया जाता था। कवियों को पता नहीं है, ऑप्शन भारत हमेशा वो चीज़ें आपसे डिस्कस करती हैं जो बहुत कम पता होता है या बहुत रेयर होता है। तो ये हिजाब बनाने के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ के ना, अगर कहीं पर अगर आप इसको करते हैं ना, तो आप देखेंगे काफ़ी टाइम के बाद ये ब्लैक हो जाता है। कारण इसका यही है, ये बालों को काला करने से लेके बालों के रूसी तक, डेंड्रफ्स को भगाने में, बालों को रंग को काला रखने में बहुत एक्टिव है। तो इसको तो आप रामबाण इलाज समझिए। जिन लोगों के काफ़ी साइडों से बाल झड़ने लगे हैं, इसका एक पेस्ट बनाएं। सबसे पहले आप इसको सुखा लें, सुखा के पेस्ट बनाएं और उसके बाद आप उसको नारियल तेल में मिला के, अगर उबाल सकते हैं नारियल तेल में इसके पाउडर को उबाल के, वो एक पेस्ट आप रोज अगर बालों में लगाते हैं तो आप इसके लिए अपने बालों से संबंधित, बाल झड़ने से संबंधित गंजेपन से छुटकारा पा सकते हैं।
और मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ और बता दूं, लोगों के पास जुए में तो ये काम आता ही है, कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ता है, बहुत सारी मेडिसिन चलती है, कोलेस्ट्रॉल हमारा कामयाब नहीं है, हम कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर पा रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई साहब ये आप ध्यान रखिए कि आमों के गुठली के जो पाउडर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो विटामिन ए आँखों के लिए, यार विटामिन ए की सबसे भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है, विटामिन सी भी है, फाइबर भी है। तो मैं तो कहता हूँ आम को खाइए, आम के गुठली को सुखा लीजिए, उसके पाउडर को सुखा के घरों में कूट लीजिए, थोड़ी मेहनत का काम है। जिन लोगों को वेट लॉस की प्रॉब्लम है वो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं, इसका चूर्ण बना लें, चूर्ण बनाने के साथ आप इसको प्रयोग में लें। और इसी के साथ में जिन लोगों को दांतों में प्रॉब्लम है, आप इसके चूर्ण को, आम के गुठली के चूर्ण को अगर आप टूथपेस्ट बना लेते हैं, टूथ पाउडर बना के अगर प्रयोग करते हैं, हल्का सा सेंधा नमक मिला के अगर प्रयोग में लेते हैं तो दांतें काफ़ी मजबूत होती हैं। और इसी के साथ मैं ऑप्शन भारत के माध्यम से नमन करना चाहूँगा मेरे 27 राज्यों के समस्त डॉक्टरों को, जिनका बहुत ही ज़्यादा योगदान ऑप्शन भारत पर रहा है, मेरे फॉलोअर्स जो अपना पूरा समय निकाल के हमें फॉलो करते हैं, मेरी बैकअप टीम जो मुझे ऑप्शन भारत को भारत के हर ओर ले आने में मदद कर रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कुछ बड़े लेवल के वेटरनर्स, कुछ ऐसे लोग जो ऑप्शन भारत को बहुत ही आगे ले आने के लिए तत्पर हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, ऑप्शन भारत हर जगह पे अवेलेबल है, ऑप्शन भारत सोशल मीडिया, ऑप्शन भारत को आप यूट्यूब के जरिए, ऑप्शन भारत ट्विटर, ऑप्शन भारत इंस्टाग्राम, ऑप्शन भारत व्हाट्सएप, ऑप्शन भारत फेसबुक, आप हर जगह पे आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, पसंद करें। जय हिंद, जय